हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। आईआईटी और नीट में लगातार 8 साल से मिथिलांचल में सर्वाधिक रिजल्ट, ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, फॉर आईआईटी नीट बोर्ड एंड प्री फाउंडेशन। दरभंगा में इससे सस्ता कहीं नहीं, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट की फुल रेंज, ऑथराइज्ड डीलर कजारिया हिंदवेयर, बाथ एंड किचन फिटिंग्स, मकान बनाने का सारा सामान, एमएन होम सॉल्यूशन, एकमी घाट लहरिया सराय। रैप्चर का शुभारंभ 3 जुलाई रविवार को, रैप्चर सैलून फॉर मेन एंड वुमेन विद वर्ल्ड क्लास कैफे, सेकंड फ्लोर तेजस्वी सीतायन शॉपिंग मॉल, बाकरगंज लहरिया सराय। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, बाकरगंज जामा मस्जिद के सामने लहरिया सराय, एक ही छत के नीचे कपड़े एवं रेडीमेड के सभी ब्रांड उपलब्ध। दिल्ली कम्स टू दरभंगा, अलाइज इंस्टीट्यूट प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी वेस्ट दरभंगा, जेईई नीट बोर्ड एंड फाउंडेशन, ट्रेमेंडस रिजल्ट सिंस 2019। पिछले 12 वर्षों का है हमारा विश्वसनीय शानदार रिकॉर्ड, हज और उमरा करिए हमारे साथ, नफीसा हज एंड उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति के सामने, शिवधारा दरभंगा, अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट, जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर, खानका चौक दरभंगा। जाने माने बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला दरभंगा जिले से हुआ गिरफ्तार, एसएसपी ने दी जानकारी। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शख्स बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मणिगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव से धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है। वहीं उन्होंने बताया कि एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को 2 बार कॉल कर अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी के साथ ही अस्पताल को उड़ाने की भी धमकी उसने दी थी। दरअसल धमकी देने वाला शख्स दरभंगा जिले के मणिगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र के पुत्र राकेश कुमार मिश्र बताए गए हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस ने बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। जिस समय राकेश कुमार मिश्र की गिरफ्तारी हुई उस वक्त वह घर पर मौजूद था। सादे लिबास में पहुंची पुलिस ने पहले दरवाजा खटखटाया, जिसे आरोपी राकेश ने ही खोला। दरवाजा खोलने के साथ ही पुलिस ने राकेश के मोबाइल पर कॉल किया, कॉल राकेश ने रिसीव किया, इसके बाद राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी राकेश मानसिक बीमारी का शिकार है। वहीं राकेश के पिता सुनील कुमार मिश्र बिहार इंटर काउंसिल में कार्यरत हैं। उसके मानसिक रोगी होने के सवाल पर दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि यह बात जांच के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल मुंबई पुलिस आरोपी राकेश मिश्रा को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले गई है। विशेष जानकारी इस बारे में मुंबई पुलिस ही देगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जाने माने बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शख्स दरभंगा जिले से हुआ है गिरफ्तार। कल दोपहर में मुंबई पुलिस से फोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें सुबह और शाम 2 बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में। और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था, तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। और 1-2 घंटे के अंदर ही वह व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है, पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मणिगाछी थाना का। रात में, देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहाँ पर आई है, उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहाँ पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। इस संबंध में विशेष जानकारी जो भी है केस के डिटेल में वो वहाँ पे मुंबई पुलिस ही दे सकती है। हम लोग को सहयोग करना था, वो हमारी पुलिस ने, यहाँ पर पुलिस रिकॉर्ड ऐसा सच कुछ अभी नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे जो लोकल थाना वहाँ पर तो कुछ नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कहीं और पर कुछ हो तो, बाकी डिटेल वहाँ से मुंबई पुलिस अपना खंगाल रही है। जो भी होगा वो तो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराया ही जाएगा, अभी उनका टेस्ट होता ही है, मेडिकल टेस्ट तो कुछ होगा तो ऐसा, बट हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अप्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के।